अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में लगे पवन सिंह जिंदाबाद के नारे। जी हाँ, अक्षरा सिंह मार्ट के लॉन्च में गई थी और वहाँ उनका स्वागत बड़े ही शानदार अंदाज में किया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अक्षरा सिंह के इस प्रोग्राम में पवन सिंह जिंदाबाद के नारे लग गए। अक्षरा सिंह ने तो मुंह बिचका लिया, लेकिन पब्लिक थी कि उसने पवन सिंह के नाम का डंका बजा दिया। वैसे डंका तो पवन सिंह के नाम का YouTube के ट्रेंडिंग में भी बज रहा है और बजना भी चाहिए भाई। इतने बेहतरीन गीत लेकर आएंगे पवन सिंह तो डंका भी उन्हीं का बजेगा। आपको बता दें कि अभी भी नंबर वन नंबर टू की पोजीशन पे पवन सिंह ही रूल कर रहे हैं और वैसे भी आजकल अपने विरोधियों के दल में भी पवन सिंह ही रूल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह ने अपना कमबैक किया है उसे देखने के बाद ये लग रहा है कि पवन सिंह जैसा कमबैक ही होना चाहिए सभी का। लगातार YouTube के ट्रेंडिंग में पवन सिंह 20 दिनों से बने हुए हैं और ये किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात है। और जो भोजपुरी कर सकता है भाई, वो कोई भी इंडस्ट्री नहीं कर सकती, लेकिन भोजपुरी में एकजुटता नहीं है। जिस दिन ये एकजुटता नज़र आएगी उस दिन सिर्फ भोजपुरी ही भोजपुरी आपको YouTube क्या हर जगह नज़र आएगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए पावरबाइट चैनल को सब्सक्राइब की घंटी कॉल प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप एक अच्छी जानकारी ले सको।